गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? सब मस्त? पढ़ाई लिखाई चल रही है या अभी भी मस्ती चल रही है ज़्यादा? कोई नहीं, मस्ती चल रही है तो फोकस करिए थोड़ा पढ़ाई पे भी। और आज के लेसन में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल इन्वेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। और आपको बता दें, अगर आप भूल गए हैं या पीछे के लेक्चर नहीं देखे हैं, तो ये हम चैप्टर या यूनिट सेल पढ़ रहे हैं, ठीक है? और उसमें पहला चैप्टर पढ़ा जा रहा है सेल का, जिसमें हम सेल पढ़ रहे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, और उसके ऑर्गेनल्स आएगा इसमें, ठीक है? इसके बाद दूसरे चैप्टर, जब हम दूसरा यूनिट का दूसरा चैप्टर करेंगे, तो इसमें बायो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है? बायो मॉलिक्यूल्स, ठीक है? तीसरा जो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ठीक है? सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल, ये वाला चैप्टर जो है कवर करेंगे। तो इसके ये जैसे ही ये कवर होगा, पूरा हमारा चैप्टर कवर हो जाएगा। और इधर से ध्यान रखिए, अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। हालांकि जो पढ़ रहे हैं ये बेसिक है, इससे क्वेश्चन एक या दो आते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन सेल डिवीजन और सेल साइकिल से अकेले 4 से 5 क्वेश्चन कवर होते हैं। और सेम बायो मॉलिक्यूल से 1 से 2 या 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देख रहे हैं ना, 4, 1, 5, 1, 6, कम से कम इधर मान के चलिए कि लगभग 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन तक भी आ सकता है। आप पीछे के ट्रेंड्स को एनालाइज कर लीजिए, ठीक है? चलिए, एनालिसिस करिएगा बाद में, पहले पढ़ लीजिए। बेसिक चीज आपको समझना जरूरी होता है और वहीं पे आप मिस करते हैं। आप लोग ये सोच लेते हैं ना कि मतलब चलो ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, किसी ने बता दिया, किसी का वीडियो देख लिया, नोट्स मैम ने प्रोवाइड कर दिया, आप लोग यही काम करते रहते हैं। आप लोग मिस्टेक करते हैं यहीं पे। पढ़ने के तरीके को समझिए, और जब पढ़ा जाता है ना, तो एक एक लाइन को और बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा जाता है। जब समझ के पढ़ेंगे ना, तो एक जमाना था, मतलब 10 साल पहले, 5 साल पहले की इवन बात करें, 5 साल पहले, 10 साल पहले मान लीजिए, उस टाइम पे ना सिलेबस बहुत वास्ट रहता था, सबका अलग अलग एग्जाम होता था, एनटीए नहीं था। आजकल सिलेबस इतना रिड्यूस हो गया है, तब भी आप लोग परेशान रहते हैं, इसीलिए तो 720 में 720 मार्क्स आ जा रहे हैं। अदरवाइज हमारे टाइम पे हालत खराब हो जाती थी। लोगों को पता, जो आज आजकल एक क्वेश्चन इधर से उधर होता है, तो आप लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि आउट ऑफ द सिलेबस, आउट ऑफ द सिलेबस है। कभी ना यूपी सीपीएमटी की तैयारी आपने की होती ना, तब तो आपको समझ में आता है यूपी सीपीएमटी। उत्तर प्रदेश कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट, ठीक है? उत्तर प्रदेश के जितने कॉलेजेस थे उसके लिए होता था। यूपी सीपीएमटी की तैयारी किए होते ना, तब आपको समझ में आता है कि पढ़ाई की कैसे जाती है। और आज भी यूपी बोर्ड तो अब सीबीएसई पैटर्न को ही और एनसीईआरटी को ही फॉलो कर रहा है, नहीं तो यूपी बोर्ड की जो पढ़ाई कर लेता है ना, ठीक है, वन ऑफ द टफेस्ट बोर्ड। आईसीएसई भी है अपने में, लेकिन यूपी बोर्ड में ना आप लोग जो 12th का एग्जाम दे रहे हैं आज के समय में, आप लोगों को पता नहीं होगा, जो सीबीएसई को फॉलो करते हैं, ठीक है, इसमें 12th में आप लोग केवल 12th में जो एनसीईआरटी वही होता है ना। यूपी बोर्ड में एनसीईआरटी चलती नहीं थी, उसकी जितनी भी किताबें थी बहुत मोटी मोटी हैवी थी, समझ रहे हैं कि नहीं? और 11 प्लस 12 ये दोनों मिला के बोर्ड में आता था, समझ रहे हैं? इसलिए उस टाइम की जो पढ़ाई किए रहते थे ना, तो उनको 11th भी एकदम चकाचक क्लियर रहता था, 12th भी क्लियर रहता था, समझ रहे हैं? और ये आजकल बोर्ड में आप लोगों का नंबर आता है ना, 90%, 95% यूपी बोर्ड में 5 साल पहले, 10 साल पहले, 5 साल भी, 7 साल, 8 साल पहले नंबर लाना, पास होना, 60% मार्क्स ले आना, 60% प्लस ना, 60% प्लस मार्क्स ले आना, लोगों की हालत खराब हो जाती थी। सो आप लोग ना बहुत अच्छे टाइम पे हैं, ठीक है? सिलेबस कम है, फोकस बस करना है आपको। क्या करना है? फोकस करना है, ठीक है? चलिए फोकस करते हैं। फिर आज हम पढ़ने वाले क्या है? सेल एनवेलप एंड मॉडिफिकेशन। अभी हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल का जो सेल एनवेलप है, जिसको हमने बोला था सेल वॉल, ठीक है, बहुत ही डिफरेंट टाइप का होता है, ठीक है? मतलब जो हमने यूकैरियोटिक सेल वॉल मतलब प्लांट के केस में देखा है ना, वो कंपेरेटिवली काफी, मतलब इसके कंपेयर में उतना कॉम्प्लेक्सिटी नहीं देखने को मिलती है, लेकिन इनके सेल एनवेलप में बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होती है। और इसी रीजन से ये हार्शेस्ट इन्वायरमेंट को भी सरवाइव कर लेते हैं। अरे प्रोकैरियोट ही होते हैं आर्की बैक्टीरिया, ठीक है? आर्किया या आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं प्रोकैरियोट्स हैं, बैक्टीरिया ही हैं। और इनको हम क्या बोलते हैं, ये किसी भी जगह पे 100 डिग्री टेम्परेचर है वहां पे भी रह लेंगे, ठीक है?
और -70 मिलेगा ना, -70 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर भी ये सरवाइव कर लेंगे एक्सट्रीमेस्ट क्लाइमेट में। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, आर्किबैक्टीरिया को एक्सट्रीमो क्या बोलते हैं, एक्सट्रीमोफाइल्स। क्या बोलते हैं, क्वेश्चन पूछा हुआ भाई, यहाँ नहीं लिखा हुआ है तो क्या मतलब है एक्सट्रीमोफाइल। फाइल का मतलब होता है लव, लव से, ठीक है। फिलिक जैसे होते हैं ना, तो एक्सट्रीमोफिलिक या एक्सट्रीमोफाइल बोलते हैं। एक्सट्रीमो का मतलब एक्सट्रीम कंडीशन, क्लियर है। ओके चलिए, सो यही हम देखेंगे। और इसके मॉडिफिकेशंस क्या क्या मॉडिफिकेशंस होते हैं, सेल इनवेलप की बात कर रहे हैं, उसके अंदर अभी हम नहीं पहुंचे, ठीक है। चलिए, मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल पर्टिकुलरली बैक्टीरियल सेल हैव अ केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल इनवेलप। द सेल इनवेलप कंसिस्ट ऑफ टाइटली बाउंड थ्री लेयर्ड, ठीक है, थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर है इनका जो सेल इनवेलप है, सेल वाला है, तीन लेयर इसमें है, समझ रहे हैं कि नहीं। पहला है सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये आउटर मोस्ट को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। ये नाम याद रखना है, ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है, ये ग्लाइकोकैलिक्स है। इसको सेल इनवेलप हम क्यों बोल रहे हैं, सेल वॉल डायरेक्टली क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि सेल वॉल के ऊपर ये कवरिंग होती है ग्लाइकोकैलिक्स की, ये याद रखिएगा। दूसरी लेयर जो होती है वो क्या होती है, सेल वॉल की होती है, क्लियर है कि नहीं। और तीसरी लेयर जो होती है क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तीन लेयर दिखा आपको, तो ये अलग अलग है, पहला दूसरा और उसके बाद तीसरा, ठीक है, हमने इसको अलग से रिप्रेजेंट कर दिया। तो तीन लेयर दिखी, सबसे बाहर की एक लेयर है आपकी कौन सी, ये लेयर है, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला, ग्लाइकोकैलिक्स। दूसरा लेयर क्या है, सेल वॉल का है, तीसरा सेल मेम्ब्रेन का। ये तीनों मिला के ना सेल इनवेलप होता है, यही एक क्वेश्चन बन गया आपका, पूछ देगा कि सेल इनवेलप इज इक्वल टू सेल वॉल, सही है कि गलत है, गलत है, सेल इनवेलप में तीनों आ जाएंगे, ठीक है, समझ रहे ना। और सबका अलग अलग फंक्शन है भाई, इसका अलग फंक्शन हमने बताया कि इसका बहुत सारा फंक्शन होता है, एक्सट्रीम कंडीशन में हो सकता है, सर्वाइवल में हेल्प करता है, और पैथोजेनिसिटी में हेल्प करता है, किस टाइप के लेयर है। सेल वॉल का मेन काम पता ही है, सेल वॉल का मेन काम प्रोटेक्शन का होता है इसका भी, और सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमिएबिलिटी शो करता है, तो सेल मेम्ब्रेन जो इंटीग्रिटी होती है ना सेल की, उसको मेंटेन रखता है, क्लियर है। सॉरी, ठंडा पानी पी लिया थोड़ा ना, उसकी वजह से गले में जो है रास होने लगी है। सो ये देखिए, ऑल्दो ईच लेयर ऑफ द इनवेलप परफॉर्म डिस्टिंग फंक्शन, दे एक्ट टुगेदर एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। तो अब तीनों की अगर एक साथ हम बात करते हैं सेल इनवेलप की, तो मेन फंक्शन इसका, बाकी अलग अलग कोई फंक्शन है, लेकिन ये प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करते हैं। कैसे काम करते हैं, प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह, क्लियर है, समझ रहे कि नहीं। सेल इनवेलप के बेसिस पे, इसी सेल इनवेलप के बेसिस पे, इसी बेसिस पे बैक्टीरिया को ना दो भाग में डिवाइड किया जाता है, ये टू टाइप्स के होते हैं, समझ रहे कि नहीं। किस बेसिस पे, सेल इनवेलप के बेसिस पे, लेकिन खाली सेल इनवेलप को देख के हमने नहीं बताया, हमने एक पर्टिकुलर प्रोसीजर लगाया, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे ग्राम्स, ठीक है, हैंस ग्राम, उन्होंने एक स्टेनिंग प्रोसीजर डेवलप किया, उसके बेसिस पे उन्होंने बताया कि सेल इनवेलप जो है ना, सेल इनवेलप जो है अलग अलग टाइप का है, ठीक है, सेल इनवेलप जो है अलग अलग टाइप का है, और उसके बेसिस पे उन्होंने ग्राम स्टेनिंग की, जो ग्राम स्टेन लिया उसको ग्राम पॉजिटिव बोल दिया, और जो ग्राम स्टेन नहीं लिया फाइनली उसको ग्राम निगेटिव बोल दिया। तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया हो गए और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो गए, क्लियर है। ये किस बेसिस पे है, एक साइंटिस्ट है हैंस ग्रीन, हैंस ग्राम, ठीक है, इन्होंने एक स्टेनिंग प्रोसीजर डेवलप किया था जिसको हम बोलते हैं ग्राम स्टेनिंग। क्या बोलते हैं, ग्राम स्टेनिंग, ठीक है, ये किलोग्राम वाला ग्राम नहीं है, ये साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक स्टेनिंग प्रोसीजर डेवलप किया था, टेक्निक डेवलप की थी टू आइडेंटिफाई दी डिफरेंट टाइप्स का बैक्टीरिया। वो एक्चुअली में डेवलप किए थे कि भाई ऐसा ऐसा है क्या कि मतलब इसमें डाइवर्सिटी या वैरायटी दिख रही है, कि कोई बैक्टीरिया पैथोजेनिक है कोई बैक्टीरिया पैथोजेनिक नहीं है, तो कहीं तो डिफरेंस होगा, हो सकता है। तो एक डिफरेंस इनके सेल वाले जो ये इनवेलप है ना, उसके बेसिस पर भी इन्होंने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, और ओवरऑल जब इन्होंने प्रोसीजर डेवलप किया तो इनको पता चला कि सेल इनवेलप में जो है ना वेरिएशन देखने को मिलता है, सेल इनवेलप में जो है वेरिएशन देखने को मिलता है, ठीक है।
अब ग्राम स्टेनिंग यहाँ पे दे दिया है, इसको थोड़ा सा बता दें हम, थोड़ा टाइम लगेगा, 5 मिनट एक्स्ट्रा हो सकता है चला जाए, 5-7 मिनट 10 मिनट, लेकिन बताते हैं थोड़ा सा तो आइडिया रहना चाहिए कि होता क्या है थोड़ा बहुत, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन द सेल एनवेलप एंड द मैनर इन विच दे रिस्पॉन्ड टू द स्टेनिंग प्रोसीजर डेवलप बाय द ग्राम, ठीक है। ये ग्राम पूरा नाम नहीं है, हैन क्रिस्टन ग्राम है एक्चुअली में, तो पूरा नाम आप ध्यान रखिएगा। दोज टेक अप द ग्राम स्टेन ग्राम पॉजिटिव और डू नॉट कॉल ग्राम निगेटिव, ठीक है। हमने इतना आपको बता दिया है, थोड़ा सा प्रोसीजर मैं बता देता हूँ। इसको मैं अगर इरेज कर दूं, इरेज कर दो कि नीचे चलूं इसके थोड़ा, ओके। सो यहाँ पे बता देते हैं आपको हम ग्राम स्टेनिंग का प्रोसीजर यहाँ से, ठीक है। क्या है ग्राम स्टेनिंग, बेसिक सा बता रहे हैं, बहुत डिटेल में हम अभी नहीं जा रहे हैं, अलग से हम अगर इस पे ऊपर क्लास लेंगे तो आधे घंटे क्लास हो जाएगी। तो ग्राम स्टेनिंग में होता क्या है, बेसिकली आपने एक स्लाइड लिया ऐसे, आपको भी लैब में जाएंगे माइक्रोबायोलॉजी की लैब में या कहीं, तो एक स्लाइड लेते हैं, आपने इसमें जो है ना स्मीयर ले लिया, दही का स्मीयर ले लिया या मतलब कुछ भी, जिसके जिस दही में भी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं तो आप वो कर लिए, ठीक है। मान लीजिए दही आपने यहाँ पे पोर कर लिया, ठीक है, यू पोर द दही, ठीक है, इसका स्मीयर आपने बना लिया। स्मीयर का मतलब होता है आपने पूरे इस पे स्लाइड पे जो है ना इसको फैला दिया ऐसे, ठीक है, और हल्का सा हीट भी कर देते हैं ताकि ये फिक्स हो जाए। बहुत लाइटली हीटिंग होती है, ज्यादा नहीं टाइटली, एनीवे उसका वो नहीं है, आप स्मीयर बना लिए। इसको क्या बोल रहे हैं, हमने बोल लिया स्पेसिमेन का स्मीयर, ठीक है, स्मीयर ऑफ सैंपल और स्पेसिमेन, ठीक है, जिसको हमको देखना है कि यहाँ पे कौन सा टाइप का बैक्टीरिया है। ये पहला स्टेप आपका हो गया, बेसिक स्टेप में बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद जो इन्होंने स्टेन यूज किया था, जिसको हमने प्राइमरी स्टेन बोला है, उसका नाम क्या है, क्रिस्टल वायलेट, क्या है, क्रिस्टल वायलेट, ये क्या है, प्राइमरी स्टेन है जो ग्राम स्टेन ने यूज किया था, क्लियर है। इसको इन्होंने ऐड किया, तो इसको ऐड करेंगे तो जितने भी इसमें बैक्टीरिया होंगे ना, वो कौन सा कलर ले लेंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव, सारे बैक्टीरिया मोर ऑर लेस पर्पल कलर के हो जाएंगे, पर्पल या वायलेट कलर कह लीजिए, ठीक है, पर्पल कलर, ठीक है। अब वायलेट या ब्लू कलर ऐसे सच नहीं बोलते हैं, लेकिन ब्लू इस कलर ही दिखता है, सब में डिफरेंस क्या है, थोड़ा डार्क और लाइट की बात है, ठीक है। तो पर्पल या कहीं कहीं ब्लू आपको दिख रहा होगा तो ब्लू भी कर लीजिए, क्योंकि लास्ट में पर्पल आएगा, थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ ना, इसके बाद हम क्या यूज करते हैं, ये आपका पहला स्टेप हो गया स्मीयर बनाना, दूसरा हो गया इस क्रिस्टल वायलेट की यूज करना, तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, आयोडीन यूज करते हैं, आयोडीन का कुछ ड्रॉप यूज करके 1 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, 1 से 1.5 मिनट, ठीक है। आयोडीन मॉर्डेंट होता है, मॉर्डेंट का मतलब यहाँ पे क्या है, ये क्या करता है ना, ये इसके साथ क्रिस्टल वायलेट के साथ ना कॉम्प्लेक्स बनाता है, फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स, ठीक है, क्रिस्टल वायलेट के साथ कॉम्प्लेक्स बना के क्या करता है, एनहांस करता है स्टेनिंग को, इनहांसेस द स्टेनिंग, समझ रहे हैं कि नहीं, स्टेनिंग को इनहांस करता है, मतलब और थोड़ा सा ब्राइट आपको दिखेगा प्रॉपरली, ठीक है, क्लियर हो गया, और उसको फिक्स कर देता है, क्लियर है। आयोडीन हो गया तीसरे पे, अब इसके बाद हम क्या करते हैं चौथे स्टेप में हम क्या करते हैं, हम वॉशिंग करते हैं, क्या करते हैं, वॉशिंग करते हैं हम, ये वॉशिंग वाटर से करते हैं ऐसे। इसके बाद फिर क्या करते हैं, इसमें हम ऐड करते हैं एल्कोहल, क्या करते हैं, एल्कोहल, ठीक है, या एसीटोन, ठीक है, एल्कोहल या एसीटोन यूज करते हैं, सॉरी, ये क्या होता है, डीकलराइजर की तरह काम करता है, डी सी ओ एल ओ आर आई जेड ई आर, डीकलराइजर मतलब डीकलरेशन कर देगा, जो उधर हमने ऐड किया था क्रिस्टल वायलेट और ये इनहांस करके आया है ना, तो ये डीकलरेशन करेगा। डीकलरेशन करने के बाद जो होता है ना, डीकलरेशन के बाद यहाँ पे सारे बैक्टीरिया ऑलमोस्ट जो होते हैं, मतलब यहाँ पे आपको दिखेगा तो एक बैक्टीरिया जो हो जाएगा वो आपका पर्पलिश ही दिखेगा, ठीक है,
और दूसरा बैक्टीरिया जो हो जाएगा कलरलेस दिखेगा, मतलब आपको दिख नहीं रहा ऐसे ऑब्जर्व करेंगे तो दिखेगा, ठीक है, पर्पलिश और कलरलेस। अभी हमने पूरा कंप्लीट नहीं किया प्रोसीजर, ठीक है, कैसा है प्रॉपरली। अब इसके बाद पांचवा स्टेप जो होता है, पांचवा स्टेप जो होता है, छठवा लास्ट स्टेप, छठवा स्टेप क्या होता है, एक काउंटर स्टेन यूज करते हैं। काउंटर स्टेन कौन सा होता है, सेफ्रेनिन। एनाटॉमी में हम प्लांट एनाटॉमी करते हैं तो सेफ्रेनिन का खूब यूज करते हैं, ठीक है, सेफ्रेनिन रेड कलर में होता है, रेड कलर कह लीजिए, थोड़ा लाइट रहता है तो पिंक होता है, तो इसको हम रेड या पिंक बोल दीजिए, रेड और पिंक, ओके। सेफ्रेनिन का जैसे यूज करेंगे ना, तो सेफ्रेनिन ऑब्वियस ही बात है ये स्टेन लेगा, तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे, ठीक है, हम इसको अगर बोल दें ग्राम पॉजिटिव, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव, ये कैसे दिखेंगे यहाँ पे पर्पल कलर के, ठीक है, और जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया हो जाएंगे ये कैसे दिखेंगे, रेड या पिंक। तो इसके बेसिस पे हम बता देंगे कि भाई जो हमने सैंपल लिया है, स्पेसिमेन लिया है, उसमें किस टाइप का बैक्टीरिया डोमिनेट कर रहा है, ठीक है, किस टाइप का बैक्टीरिया डोमिनेट कर रहा है। क्लियर हुआ, ये बेसिक सा था ये ग्राम स्टेनिंग का प्रोसीजर, आपको पढ़ना ऐसे नहीं डिटेल। और ये जो हो रहा है ना ग्राम स्टेनिंग कैसे ले रहा है, ये सेल इन्वेलप में जो डिफरेंसेस है ना उसी की वजह से हो रहा है, समझ रहे हैं ना, सेल इन्वेलप में जो डिफरेंस है उसी की वजह से हो रहा है। क्लियर है कि नहीं, क्यों, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होते हैं ना उनकी सेल वॉल बड़ी थिक होती है, ठीक है, बहुत थिक होती है, पेप्टिडोग्लाइकन जो होता है वो थिक होता है, और भी उसमें लेयर होती हैं, लेकिन जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है उसमें सेल वॉल थिन होती है, मतलब सेल इन्वेलप पूरा अगर कवर कर लेते हैं, थिन होने की वजह से क्या होता है, जब वॉशिंग होती है ना तो उसमें सारा स्टेन जो है बाहर निकल आता है, ठीक है, यूजुअली। लेकिन जो थिक होने की वजह से ग्राम पॉजिटिव से पूरा का पूरा स्टेन जो है बाहर नहीं आता है, इसीलिए वो लास्ट में भी कलर शो करता है पर्पल कलर, ठीक है, और वायलेट कलर ही होता है, लेकिन जब उसमें हम स्टेन डालते हैं तो इसके साथ मिलकर थोड़ा सा लाइट कलर हो जाता है तो पर्पलिश कलर हो जाता है। मीनिंग समझ में आया ग्राम स्टेनिंग का, हैंस क्रिस्टन ग्राम, क्लियर है, ओके। यहाँ नाम दिया है तो भाई थोड़ा पता होना चाहिए कि होता क्या है, कैसे होता है, इसलिए मैंने बताया। ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन कंपोजिशन, देखिए ग्लाइकोकैलिक्स कंपोजिशन में भी डिफर कर रहा है एंड थिकनेस में भी डिफर कर रहा है डिफरेंट बैक्टीरिया में, क्लियर है। जो ऊपर की सबसे लेयर है, सबसे बाहर की लेयर जिसको हम बोल रहे हैं ना ग्लाइकोकैलिक्स, ये वाली लेयर, इसके लिए बोल रहा है खाली, अभी हम पूरे सेल इन्वेलप की बात नहीं कर रहे हैं, ग्लाइकोकैलिक्स की बात कर रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन उठा देगा आपको कि ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है कंपोजिशन में डिफर करता है लेकिन थिकनेस सब में बराबर होती है, कंपोजिशन में डिफर करता है बस थिकनेस सब में बराबर होती है, स्टेटमेंट गलत हो गया। कंपोजिशन एंड थिकनेस सारे बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स की सेम होती है, स्टेटमेंट गलत हो गया। कंपोजिशन एंड थिकनेस दोनों डिफर करती है सारे बैक्टीरिया में अमंग द डिफरेंट बैक्टीरिया, ये स्टेटमेंट सही होगा, समझ रहे हैं कि नहीं। तो याद रखिएगा कि कैसे क्वेश्चन बनता है, इट कुड बी अ लूज सीट, देखिए या तो ये मान लीजिए कि बाहर की लेयर है ये, एक ये आपका सेल वॉल हो गया और ये अगर सेल मेम्ब्रेन है और ऊपर हमने ग्लाइकोकैलिक्स बनाया, तो एक तो ऐसे होगा लूज होगा ऐसे, ठीक है, लूज लेयर, ठीक है, लूज का मतलब ढीली लेयर, ठीक है, जैसे रस्सी होती नॉर्मल, तो लूज लेयर रहेगा ना तो इसको हम स्लाइम लेयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्लाइम लेयर, ठीक है। लेकिन अगर ये किसी केस में अगर सेम चीज मतलब ऐसे एकदम से टाइटली रहे बिल्कुल ऐसे, ठीक है, एकदम ऐसे थिक है थोड़ा और टाइट है, पहले में हमने बोला कि लूज है थोड़ा, तो लूज है तो उसको हमने क्या बोल दिया, स्लाइम लेयर बोल दिया। लेकिन अगर ये थिक है और टाइट है, ठीक है, ये थिक है एंड टाइट है रॉड की तरह, तो इस केस में इसको हम क्या बोल देते हैं, कैप्सूल बोलते हैं, याद रहेगा कि नहीं। अब डिफरेंस समझ में आया स्लाइम लेयर कैप्सूल में, तो ग्लाइकोकैलिक्स को हम यूजुअली कैप्सूल नहीं बोलते हैं, कैप्सूल अगर ये कंडीशन होगी तभी बोलेंगे ग्लाइकोकैलिक्स इक्वल टू कैप्सूल, अदरवाइज ग्लाइकोकैलिक्स को हम स्लाइम लेयर भी बोलते हैं, ये दोनों चीज ध्यान रखिएगा।
और यहाँ पे डिफरेंस भी ध्यान रखिएगा इस चीज का, नहीं तो आप यहाँ उल्टा करेगा और आप कंफ्यूज जाएंगे। स्लाइम लेयर है तो सोच लीजिए कि स्लाइम बड़ा लूज सा स्ट्रक्चर है, स्लाइमी सा मिलता है ना आपके हाथ में जब आता है, म्यूकस टाइप का, तो वो लूज ही है, तो इसलिए उसको लूज शीट की तरह याद रखिएगा। क्लियर है, समझ रहे हैं कि नहीं? सेल वॉल डिटरमाइन करता है, ऑब्वियस सी बात है, जैसे सेल वॉल हमारे बॉडी को भी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। सेल वॉल नहीं भाई, प्लांट के केस में, हमारे केस में सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम जो हमारा है ना, स्केलेटल सिस्टम अलग होता है, ठीक है। साइटो स्केलेटन जिसको हम बोलते हैं, साइटो स्केलेटन जो होते हैं वो अलग होते हैं, माइक्रोटिब्यूल्स, ठीक है, माइक्रोफिलामेंट। क्लियर है कि नहीं? ये सब साइटो स्केलेटन के पार्ट हैं। यहाँ पे सेल वॉल की अगर हम बात करते हैं तो प्लांट सेल में और जो प्रोकैरियोटिक या बैक्टीरियल सेल में है, सेल वॉल जो होता है ना ये डिटरमाइन करता है शेप का, शेप को डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल एंड प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरिया फ्रॉम बस्टिंग और कोलैप्सिंग। आप एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, जो ऑस्मोसिस का एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है, एक्स ऑस्मोसिस और ये सारी चीजें जो होती हैं, और उसके अलावा जब हम किसी ऐसे सोल्यूशन में, जैसे हम एनिमल सेल को किसी ऐसे सोल्यूशन में रखते हैं जहां से वाटर अंदर आ रहा है, मतलब हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, ठीक है, तो मतलब अगर ये है ना अंदर का सोल्यूशन हाइपरटोनिक है, कंसंट्रेशन ज्यादा है, बाहर का सोल्यूशन हाइपोटोनिक है, तो वाटर कहाँ से कहाँ इंटर करेगा? इधर से इधर, अरे हाई से लो, इधर इधर लिक्विड ज्यादा है ना, तो वाटर किधर से मूवमेंट होगा? वाटर का, वाटर का कंसंट्रेशन जिधर ज्यादा है उधर से, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं? ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस एक डिफरेंट स्पेशल टाइप का क्या होता है, डिफ्यूजन का प्रोसेस है। हम यहाँ पे वाटर के रिस्पेक्ट में मूवमेंट को शो करते हैं, तो क्या होगा एक टाइम के बाद, ये जब तक इसका कंसंट्रेशन बराबर नहीं होगा तब तक ये मूवमेंट होता रहेगा, ठीक है। तो एनिमल सेल के केस में क्या होता है ना कि सेल जो होता है बढ़ते 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 बढ़ते, ऐसे मान लीजिए सेल का साइज छोटा है थोड़ा सा, इसमें इनटेक लिक्विड कर रहा है, ठीक है, किधर से धीरे धीरे साइज इसका बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम लेंथ तक पहुंच गया, और इसके बाद भी अगर साइज बढ़ता जाएगा ना तो सेल क्या होगी, बस्ट हो जाएगी। बस्ट हो जाएगी क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेल वॉल नहीं है। लेकिन प्लांट के केस में यूजुअली या बैक्टीरिया के केस में यहाँ पे बाहर एक कवरिंग है, ठीक है, बाहर एक थिक कवरिंग है, तो इसमें भरेगा भी ना तो ये मैक्सिमम टर्जिडिटी शो करेगा, एकदम ऐसे टर्जिड हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है, टर्गर प्रेशर डेवलप होगा, टर्जिडिटी हो जाएगी, लेकिन ये इसके लिमिट के बाद ना जाएगा ही नहीं। क्यों? एक लिमिट के बाद ही बढ़ेगा नहीं, स्ट्रेचेबिलिटी इसकी रहेगी, इसके बाद रुक जाएगा, मतलब यहाँ पे बस्टिंग नहीं होगी, सेल जो है बस्ट मतलब फटेगा नहीं सेल, ठीक है, जैसे टायर नहीं होता है, देखिए टायर जल्दी नहीं फटता है नॉर्मली, लेकिन ट्यूब, ट्यूब की जो थिकनेस होती है कम होती है, तो ट्यूब बहुत जल्दी बस्ट करते थे, इसीलिए हमने गाड़ियों में या व्हीकल में क्या बनाना शुरू कर दिया है, ट्यूबलेस टायर। ट्यूबलेस टायर इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम डायरेक्ट टायर में हवा डालते हैं, टायर की थिकनेस और स्ट्रेंथ ज्यादा होती है ट्यूब से, ठीक है। तो यहाँ पे यही है इसका इम्पोर्टेंस कि सेल वॉल जो है प्रोटेक्शन तो देता है, सेफ देता है, प्रोटेक्शन देता है और प्रिवेंट करता है बैक्टीरिया को कहाँ से बस्टिंग एंड और कोलैप्सिंग। तो इन जनरल बैक्टीरिया ऐसे किसी मीडियम में है, कहीं पे भी है, तो ऐसा नहीं कि वहां से बाहर से मीडियम में, जिस मीडियम में है वहां से अंदर चला गया सारा मटेरियल और उसके बाद बस्ट कर गया, नहीं भाई, इतना हो जाएगा दिक्कत, अब तो फिर बैक्टीरिया का सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो नेचर में ऐसी कंडीशन में वो रहता है कि ऐसा हो ना, इसलिए ये चीजें जो है ना इवॉल्व हुई। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल, जैसे अदर केसेस में है, एनिमल में है, प्लांट में है, अदर सेल्स के केस में सेलेक्टिवली परमिएबल है। क्यों? मीनिंग वही है कि आउटसाइड वर्ल्ड से उसको इंटरेक्ट ना करना है तो सेलेक्टिव परमिएबिलिटी होनी चाहिए, सिलेक्शन करे वो कि भाई क्या चीज अंदर आ सकती है, क्या चीज बाहर जा सकती है, हाँ, उसके कंट्रोल में चीजें होनी चाहिए। तो ये कौन कंट्रोल करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल करता है, ठीक है। और यही जो सेलेक्टिव परमिएबिलिटी है, यही क्या है, किसमें हेल्प करता है? सेल की इंटीग्रिटी मेंटेन करने में हेल्प करता है, समझ रहे ना? जैसे आपकी इंटीग्रिटी बहुत जरूरी होती है, लेकिन आप लोग सभी लोग बहुत मतलब अपनी इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं रखते हैं। इंटीग्रिटी का मतलब समझते हैं? जमीन, मूवी में देखे होंगे, जमीन मूवी भी है, ठीक है, इंटीग्रिटी का मतलब यही होता है इन जनरल। तो जमीर जो होता है ना, आदमी बेच देते हैं, कहते ना जमीर बेच दिया है इसने, सेल्फिशनेस के चक्कर में, अपने बेनिफिट के चक्कर में बहुत लोग ऐसा करते हैं। आप
है नहीं है, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, बहुत लोग होते हैं ठीक है, उनकी इंटीग्रिटी का कोई मीनिंग नहीं है, वो आज कुछ कहेंगे कल कुछ कहेंगे ठीक है। जैसे पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं ना, आज कुछ कहते हैं और चुनाव जीतने के बाद कुछ और चलता है, फिर अगले साल फिर शुरू होगा वैसे ही माहौल, और हम उसमें फंसते रहते हैं। क्यों? क्योंकि देयर इज नो ऑप्शन टू गो विद दैट, और उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो छोड़िए, यहाँ पे सेल की इंटीग्रिटी बहुत जरूरी है और उसके लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ठीक है। दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू द यूकेरियर ठीक है। तो जो फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर वहां मिलती है यूकेरियोटिक सेल में, यहां पर भी वही लेयर होती है। क्या होती है? फॉस्फोलिपिड बाई लेयर ठीक है। हम बोलते हैं ना PLP, प्रोटीन लिपिड प्रोटीन, ऐसे नॉर्मली हम बोलते थे, लेकिन लिपिड की बाई लेयर कॉन्सेप्ट पहले था तो PLLP होता है नॉर्मली ठीक है, PLLP ठीक है। प्रोटीन क्या होता है? ये एक्सटेंसिक होता है, बाहर के साइड में इन जनरल दिखना देखने को मिलता है, और ये इंट्रिंसिक प्रोटीन जो होती है अंदर के साइड में, और यहाँ पे एक लिपिड के लेयर यहाँ पे, तो PLLP ठीक है, ये होता है फॉस्फोलिपिड बाई लेयर ठीक है। जब हम मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को समझेंगे अभी आगे, तब देखेंगे कैसे मेम्ब्रेन एक्ट कर रहा है। क्लियर हो गया इसमें? ओके, इसके पहले पहले लेक्चर या दूसरे लेक्चर में हमने बताया था कि माइटोकांड्रिया अब्सेंट होता है। कहने का मतलब, अगर हम बैक्टीरियल सेल को ले रहे हैं सपोज, तो बैक्टीरियल सेल में ये आपका सेल इन्वेलप हो गया पूरा, मान लीजिए, माफ कीजिएगा ये बराबर नहीं हो ड्रा हुआ है, और ये आपका एक रीजन है जहां पे सर्कुलर डीएनए है, इसको हमने क्या बोला था? न्यूक्लियोइड ठीक है। उसके अलावा एक मेन इंपॉर्टेंट क्या था? ये प्लाज्मिड ठीक है। इसके अलावा इसमें फ्लैजला भी हो सकता है, और छोटे छोटे जो होते हैं फेम्ब्री भी हो सकते हैं ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है? और पिलाई भी हो सकता है, फ्लैजला और बड़ा होगा तो ये पिलाई भी हो सकते हैं ठीक है, थोड़े बड़े से, हल्के से बड़े, ये फ्लैजला नहीं है, दे आर पिलाई ठीक है। तो ये पिलाई है, ये फ्लैजला है, ये फिम्ब्री है, क्लियर है, प्लाज्मिड है, ये साइटोप्लाज्म है। इसके अलावा इंक्लूजन्स जो कि इसका अलग से स्ट्रक्चर है, सेपरेट स्ट्रक्चर है, ये हो गया। बाकी राइबोसोम हमने बताया, नहीं नहीं सब बताए हैं ठीक है। यहां पे कोई भी नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल ठीक है, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, क्लियर है कि नहीं? कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं है। अरे ये मेम्ब्रेन बाउंड ये है तो ये ऑर्गेनेल थोड़ी है, तो पूरा का पूरा सेल ही है ना भाई, तो सेल तो मेम्ब्रेन बाउंड ही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर सेल वॉल है, उसके ऊपर ग्लाइकोकैलिक्स है, समझ रहे ना? ये पूरे को हम मिला के क्या बोल रहे हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है? ये सेल इन्वेलप है, समझ रहे ना? इसमें तीनों है, ग्लाइकोकैलिक्स है, सेल वॉल है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, ऐसे याद रखना है आपको ठीक है। तो कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है, याद रखिएगा। और एक स्ट्रक्चर कंपेरेटिवली सिमिलर है, कौन सा? राइबोसोम। और यहाँ पे राइबोसोम जो है वो 70S टाइप का है। इसके दो सब यूनिट, कौन कौन सा? लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट। लार्ज के लिए हमने क्या बोला? 50S, और स्मॉल के लिए क्या बोला? 30S, इतना याद रखना है। और कोई नहीं है तो सोचिए कि इसको एनर्जी कहाँ से मिलती है भाई, एनर्जी कहाँ से मिलेगी? जैसे हमारी सेल्स में है या प्लांट की सेल में है, तो प्लांट हो गया या अदर कोई भी स्ट्रक्चर है एनिमल ठीक है, इनमें क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। MTA ऑफिशियल वर्ड है, मतलब ये लिखा जाता है बुक में, स्टैंडर्ड बुक में, और क्लोरोप्लास्ट के लिए CP लिखा जाता है ठीक है। ये CP कनॉट प्लेस वाला CP नहीं है ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट वाला CP है। तो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे होता है, और ये रेस्पिरेशन का काम होता है, और इसमें क्या होता है? फूड बर्न होता है, और वहां से ATP बनती है। ATP क्या है? हमारी करेंसी है, करेंसी ऑफ द सेल ठीक है, करेंसी ऑफ द सेल, क्लियर है कि नहीं? और हमारी बॉडी में सेल्स को जो एनर्जी होती है ना, सेल इसी एनर्जी को यूटिलाइज करता है। कुछ कुछ फंक्शन होते हैं जिसमें इसका दूसरा फॉर्म GTP यूटिलाइज हो सकता है, या AMP यूटिलाइज हो सकता है, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट है, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लेकिन अरे इस फॉर्म में हो सकता है, इस फॉर्म में हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली जो स्टोरेज फॉर्म है ना ATP, और इसमें तीन ठीक है हाई एनर्जी बॉन्ड होते हैं, मतलब फास्फोरस के ठीक है, ऐसे फास्फोरस ऐड होता है ठीक है।
जैसे जैसे ये ब्रेक होगा बहुत हाई एनर्जी रिलीज होती है, ये ब्रेक होगा बहुत हाई एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। इसके बाद मेन स्ट्रक्चर होता है एडिनोसिन, अगर है तो एडिनोसिन शुगर का, क्लियर है। सो ये एटीपी कैसे बनेगा भाई, एनर्जी के लिए तो चाहिए ना, ऐसा थोड़ी कि बाहर जो हीट है उससे एनर्जी लेके सर्वाइव कर रहे हैं, नहीं, सेल के अंदर फंक्शनिंग में जो इनका मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसमें एनर्जी चाहिए तो कहाँ से आएगा। तो उसके लिए क्या है ना कि यहाँ पे इनका जो अंदर वाला ये मेम्ब्रेन है ना, मेम्ब्रेन में कुछ मॉडिफिकेशन होता है, यहाँ पे मेम्ब्रेन है तो अंदर वाली मेम्ब्रेन ना ऐसे हो जाती है, यहाँ फोल्डिंग सपोज दिखा रहे हैं हम, ये फोल्डिंग, ठीक है, ये फोल्डिंग दिखा रहे हैं हम, इसको हटा दें जो लिखा हुआ है तो आपको और क्लियर दिखेगा। फिर इधर आके ये मेम्ब्रेन की फोल्डिंग है, बस हमने दिखाने के पर्पज से दूसरा आपको कलर दिखा दिया, हालांकि चलिए इसको कर देते हैं। यहाँ आए, यहाँ पर भी आपको फोल्डिंग दिख रही है, ठीक है, ऐसी फोल्डिंग होती है, ये क्या है, इन फोल्डिंग, मतलब अंदर की साइड में फोल्डिंग, क्या है ये, इन फोल्डिंग। तो जो माइटोकॉन्डिया के जो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर यहां बनता है इन फोल्डिंग से, इसको क्या बोलते हैं, मीजोसोम। सोमा का मतलब बॉडी होता है, मीजो का मतलब बीच में सपोज, ठीक है, तो मीजोसोम या मीसोसोम या मीजोसोम बोलिए, ठीक है। ये बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है ये भी, लेकिन इसका एक फंक्शन क्या है, इक्विवेलेंट टू माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये रेस्पिरेशन का काम भी यहाँ करेगा और इसके थ्रू जो है एटीपी प्रोड्यूस होगा, और ये एटीपी जो इनकी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है ना उसमें, या सेल के लिए जहां पे भी रिक्वायरमेंट है, जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसमें हेल्प करेगा, क्लियर है। स्ट्रक्चर यही है, स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, ऑब्वियसली बात है, मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही मॉडिफिकेशन है, क्या है, मीजोसोम विच इज फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल, इनटू द सेल, क्वेश्चन यही पे बनेगा, ये इनटू है कि आउट ऑफ द सेल है, ठीक है, इनसाइड मतलब इन फोल्डिंग है कि आउट फोल्डिंग है, क्वेश्चन किसी भी तरीके से बन सकता है। तो हमने क्लियरली बताया कि इन फोल्डिंग है, अंदर साइड में दिखाया है इमेज, तो अंदर साइड में फोल्ड होगा, फोल्ड होगा, और लॉजिक है, लॉजिक है अंदर साइड में, क्योंकि बाहर क्या है, सेल वॉल भी है और ग्लाइकोकैलिक्स है, तो बाहर साइड में तो सेल ऐसे फूल नहीं जाएगा कि ऐसे ऐसे फूल रहा है और इधर से ये मॉडिफिकेशन हो गया, नहीं ऐसा नहीं होता है, सेल वॉल रिजिड है तो सेल वॉल ऐसे बाहर अचानक से नहीं निकल जाएगा, ठीक है, समझ रहे कि नहीं, सेल वॉल है यहाँ पे, सेल वॉल रिजिड है तो ये आउट फोल्डिंग पॉसिबल नहीं है, तो इट इज इन फोल्डिंग ओनली, ठीक है। दीज एक्सटेंशन आर इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकल्स, वेसाइकल मतलब ऐसे सर्कल, क्या बोलते हैं, वेसाइकल ऐसे होता ना, तो ऐसे भी बन सकता है, ट्रिब्यूल्स के फॉर्म में हो सकता है थोड़ा, जैसे ऐसे मान लीजिए ट्रिब्यूल्स ऐसे लंबा लंबा थोड़ा हो गया ऐसे टाइप से, ठीक है। एंड लैमिनी, लैमिनी का मतलब भी ऐसे ही होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा लंबा होता है, ठीक है। तो ये एक्सटेंशन ये सब चीजें बनाते हैं, ठीक है, दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन। ये देखिए, इसको हम थोड़ा रफ कर दें यहाँ से, ये क्या हेल्प करते हैं, इनका फंक्शन देख रहे हैं ना, एक्सटेंशन का फंक्शन देख रहे हैं, मीजोसोम का एक मेन फंक्शन हमने बता दिया, और उसके अलावा और फंक्शन आपको याद रखना है, ये ध्यान में रखना है, क्या करते हैं ये, सेल वॉल फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं, ठीक है, सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, और किस में हेल्प करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प करते हैं, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल, जब सेल डिविजन होता है ना तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन में भी हेल्प करते हैं, क्यों, जो वेसाइकल बन रही है ना, वेसाइकल बन रही है जो, ठीक है, तो इसके थ्रू ये क्या करते हैं, कट ऑफ हो जाते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें, मतलब जो मटेरियल है उसके थ्रू जो है वो जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये किसका यहाँ पे रोल है, मीजोसोम का रोल है, जो इन फोल्डिंग्स है ना, इन फोल्डिंग्स का रोल है। उसके अलावा देखिए रेस्पिरेशन सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये है, इंपॉर्टेंट रोल, शुरू से हम यही पढ़ते आ रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के इक्विवेलेंट, और माइटोकॉन्ड्रिया हमारा क्या है, हमारा क्या है भैया, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस, पावर हाउस या हाइडल है आपका, ठीक है, यही आप याद रखते हैं हमेशा। तो अगर किसी चीज को एनर्जी नहीं मिले तो कोई काम ही नहीं होगा, तो इसलिए ये वाला मेन फंक्शन है। इसके अलावा अदर जो सिक्रीशन होता है सेल का, उसमें भी हेल्प करता है, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो सरफेस एरिया भी बढ़ा देता है। तो अगर मान लीजिए कि सेलेक्टिव परमिबिलिटी है तो सरफेस एरिया बढ़ गया तो और भी उसमें हेल्प करेगा। उसके अलावा क्या है, एंजाइमेटिक कंटेंट भी जो होता है ना वो भी बढ़ाता है, समझ रहे हैं ना, तो इन सब चीजों को थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्लियर है। और क्वेश्चन पूछ देगा कि बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया के इक्विवेलेंट कौन सा मतलब स्ट्रक्चर होता है, कौन सा स्ट्रक्चर होता है और कैसे होता है, कैसे बनता है वो, ठीक है, तो कौन सा स्ट्रक्चर होता है भैया, मीजोसोम होता है, वो क्या है, इनफोल्डिंग है किसका,
किसका इनफोल्डिंग है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है मीजोजोम, ठीक है, मीजोजोम। और ऐसे स्ट्रक्चर में क्या होते हैं ना, कुछ पिगमेंट आ जाते हैं, ठीक है, ग्रीन पिगमेंट होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटोफोर्स। क्रोमैटोफोर्स का मतलब क्रोमा, क्रोमा का मतलब कलर। तो किसी भी टाइप का अगर पिगमेंट आता है तो हम पूरे स्ट्रक्चर को क्रोमैटोफोर्स बोलते हैं, विच कंटेन दी पिगमेंट्स, ठीक है। तो जो क्लोरोफिल कंटेनिंग बैक्टीरिया होते हैं उसमें भी ऐसे स्ट्रक्चर डेवलप होगा, उसमें पिगमेंट भर जाएगा, कौन सा? क्लोरोप्लास्ट का। क्लियर है? इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया देयर आर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इनटू द साइटोप्लाज्म कॉल्ड क्रोमैटोफोर्स। क्लियर है कि नहीं? क्रोमैटोफोर्स विच कंटेन दी पिगमेंट्स। क्लियर है इतनी चीजें? ओके, एक एक चीज मैं देखिए समझा रहा हूं, और अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो फिर कोई नहीं भाई, नहीं समझेंगे तो फिर मैं क्या करूँ। इतना मैं आराम से और चीज़ों को डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और बार बार मतलब इम्फेसाइज मैं करता हूँ, मैं बहुत फास्ट पढ़ा के भागने वाला काम नहीं करता हूँ, कर ही नहीं पाता हूँ। मुझे लगता है कि भाई चलो ठीक है, ठीक है, समझा दिया जाए थोड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैक्टीरियल सेल में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल, कहने का मतलब क्या है, हमने पहले ही पढ़ा है, फ्लैजेला के स्ट्रक्चर को देखा था ना। तो बैक्टीरियल सेल जो हो सकता है, मतलब इसमें फ्लैजेला हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये स्ट्रक्चर है बेसिक मान लीजिए, तो ये भी स्ट्रक्चर हो सकता है, या तो दूसरा स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है कि इसमें फ्लैजेला है। और फ्लैजेला कैसे होता है, क्यों होता है? मोटाइल मोटिलिटी के लिए होता है। और इसमें किस टाइप के, मतलब केवल एक ही कंडीशन हो सकती है क्या? नहीं, हमने और भी कंडीशन बताई थी, ये भी कंडीशन हो सकता है, ठीक है, ये भी कंडीशन हो सकता है, ये भी बताया था। इसके अलावा दोनों साइड में कंडीशन हो सकती है, ऐसे कंडीशन सब बताए थे हम आपको, याद रखिएगा, अलग अलग नाम दिए थे हम, पिछले लेक्चर में जाके देखिएगा क्या नाम है इनका, ठीक है, चारों तरफ भी हो सकता है। तो ये सब कंडीशन है, समझ रहे हैं? नहीं, मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, ठीक है, पेरीट्राइकस, बता दिया हमने नाम, खैर क्लियर है कि नहीं? तो ये मोटाइल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। किसके बेसिस पे? अगर फ्लैजेला है, देखिए यहाँ सिलिया नहीं होता है, पर ध्यान रखिएगा क्या होता है, फ्लैजेला होता है, ठीक है, बैक्टीरिया में सिलिया नहीं होता है, क्या होता है? फ्लैजेला होता है। इफ मोटाइल, तो इसका मतलब क्या होगा? फिलामेंटस एक्सटेंशन होगा। फ्लैजेला फिलामेंट धागा की तरह, फिलामेंटस कहीं पे भी वर्ड आए तो इसका मतलब ऐसे लंबा सा है थोड़ा, ठीक है, फिलामेंटस का मतलब पतला सा लंबा सा स्ट्रक्चर है कोई। तो एक्सटेंशन फ्रॉम द अदर सेल वॉल, तो ये देखिए सेल वॉल से निकला हुआ है, इसको अगर ग्लाइकोकैलिक्स बोल देगा ना तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी। कहां से निकला है? सेल वॉल से, सेल मेम्ब्रेन से भी मत निकालिएगा, ठीक है, कहां से निकलता है? सेल वॉल से निकलता है, ठीक है। इन जनरल मेन स्ट्रक्चर जो हम बता रहे हैं कॉल दी फ्लैजेला, ठीक है, समझ रहे हैं नहीं? बैक्टीरिया शोज अ रेंज ऑफ नंबर ऑफ नंबर्स एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला, अभी मैंने बता दिया, रेंज इन नंबर एक भी हो सकता है और बंच में भी हो सकता है, एक भी हो सकता है और यहाँ से ढेर सारे बंच में भी हो सकता है, ठीक है। एंड अरेंजमेंट कैसे अरेंज हो सकता है? एक साइड में भी हो सकता है, दोनों साइड में भी हो सकता है, चारों तरफ भी हो सकता है, हमने देखा ना अभी, उसके नाम भी बता दिए हमने, तो उतना ही याद रखना है आपको, ठीक है, दिमाग में उतना ही रखना है। यहाँ पे आपको याद रखने वाला बस ये है, ध्यान रखना है कि नंबर में भी वेरिएशन होता है और अरेंजमेंट अलग अलग देखने को मिलता है, ठीक है। बैक्टीरियल फ्लैजेलम इज कंपोज्ड ऑफ थ्री पार्ट्स, ठीक है, तीन पार्ट्स बेसिकली होता है, क्या होता है? फिलामेंट होता है, हुक होता है और बेसल बॉडी होता है। तो डिटेल स्ट्रक्चर आपको पढ़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है, और ना ही दिमाग में इसको ले जाना है, ठीक है, दिमाग में इसके आपको अंदर नहीं घुसना है, ठीक है, लिटरली अंदर नहीं घुसना है। तो जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर है इसका ना, सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल का स्ट्रक्चर ऐसे अगर हम देख रहे हैं पूरा, ठीक है, तो जो बेसल पोर्शन है, जो बेसल बॉडी है ना, इसमें इम्बेडेड होता है, क्या होता है? इसमें इम्बेडेड होता है। आपको हम डिटेल स्ट्रक्चर नहीं बता रहे हैं, लेकिन हम बता रहे हैं बस इसमें इतना, ठीक है, बेसल बॉडी इसमें इम्बेडेड है, और यहां से एक्सटेंशन होता है किसका? हुक का। हुक का मतलब थोड़ा सा ऐसे स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, हुक मतलब नॉर्मली ऐसे होता है ना, हल्का सा कर्वी स्ट्रक्चर रहता है, तो ये कर्वी स्ट्रक्चर हल्का सा दिखेगा, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं? ये हुक है, क्लियर है भाई, ये हुक है, और ये बिल्कुल अलग अलग स्ट्रक्चर है। ये मत सोचिए कि खाली ऐसे बाहर है तो उसको हमने हुक बोल दिया, नहीं, अलग स्ट्रक्चर है। और इसके बाद जो होता है
फ्लैजेला जो ये लंबा सा ऐसे फैलता है ना यहाँ से, ठीक है, दिस इज दी फ्लैजेला, ठीक है, दिस इज दी फ्लैजेला। और यही फ्लैजेला जो होता है फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना होता है, किससे बना होता है, फ्लैजेलिन प्रोटीन। तो अल्टीमेटली मूवमेंट इसी में होगा, इसमें मूवमेंट और इसमें मूवमेंट नहीं होता है। ये क्या है, बेसल बॉडी है, और ये क्या है, हुक ध्यान रखिएगा, तीन पार्ट है, तीनों पार्ट ध्यान रखिएगा। द फिलामेंट जो होता है यही लॉन्गेस्ट पोर्शन है, देखिए हमने इतना लंबा बनाया ना, हाँ, तो ये लॉन्गेस्ट पोर्शन है और एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड। तो ये सेल सरफेस है, समझ रहे कि नहीं, ये सेल सरफेस है। अरे भाई हुक एकदम सरफेस पे ही निकला रहता है, क्लियर है, हाँ, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्लीज डू नॉट गो इन टू द डिटेल, अगर उसके डिटेल में जाएंगे फ्लैजेला के, तो फ्लैजेला बहुत डिटेल स्ट्रक्चर है, ठीक है, आसान नहीं है इतना कि मतलब आप ऐसे बता दिया, बस ध्यान रखना है कि क्या होता है, ठीक है, यहाँ दिया नहीं है, लेकिन बेसल बॉडी जो होता है ना इम्बेडेड होता है। द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट, ये हमने देख लिया, और कहाँ सरफेस से एक्सटेंड करता है। इसके अलावा देखिए फ्लैजेला के अलावा और स्ट्रक्चर क्या देखने को मिलता है सरफेस पे, हमने से एकदम शुरू में बताया था, पिलाई एंड फिम्ब्रिए, पिलाई एंड फिम्ब्रिए, पिलाई एंड फिम्ब्रिए। तो तीन एक्सटर्नल अपेंडेजेस देखने को मिलते हैं। तो एक्सटर्नल अपेंडेजेस क्या है यहाँ पे, क्या है, तीन है, एक क्या है फ्लैजेला है, एक क्या है पिलाई है, और एक क्या है फिम्ब्रिए है, क्या है फिम्ब्रिए, ठीक है, या फिम्ब्री बोलिए चाहे फिम्ब्रिए बोलिए। फ्लैजेला का काम हमने देख लिया, मेन काम क्या है इसका, मोटिलिटी से रिलेशन है इसका, ठीक है, मोटिलिटी से रिलेशन है, ठीक है। फिम्ब्रिए का ये ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब इसमें थॉर्न या ब्रिस्टल कांटे की जैसा एकदम ऐसे पॉइंटेड स्ट्रक्चर होगा सपोज, ठीक है, ऐसे टाइप से क्या बोलते हैं, ऐसे, ठीक है, पॉइंटेड स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे रहता है। तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, अटैचमेंट में हेल्प करता है, किसमें हेल्प करेगा, अटैचमेंट में, किसी भी सरफेस से अगर अटैच होना है तो कुछ तो ऐसा रहना चाहिए ना धसाने के लिए, तो ये धसाने का काम करता है, ठीक है। ये सेल के सरफेस पे ही सब कुछ है, मतलब बाहर साइड में, एक फ्लैजेला बहुत लंबा सा है और ये छोटा छोटा होता है ऐसे ब्रिस्टल लाइक का, ठीक है, ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या करता है, ये अटैचमेंट में बेसिकली हेल्प करता है किसी भी सरफेस से, जो भाई पैथोजेनिक बैक्टीरिया मान लीजिए है या कोई भी बैक्टीरिया है बॉडी के सरफेस से, उसको अटैच होना है तो ऐसे ही थोड़ी मतलब कुछ तो रहना चाहिए ना उसको पकड़ने के लिए, ठीक है, तो ये पकड़ने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। और पिलाई जो होता है थोड़ा इलांगेटेड है, फ्लैजेला से छोटा होता है और फिम्ब्री से बड़ा होगा, ठीक है, इलांगेटेड स्ट्रक्चर होगा, ट्यूबुलर, ठीक है, इलांगेटेड एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ट्यूबुलर होगा, क्यों होगा बताए थे हम आपको। और ये क्या करता है ना, ये स्पेशल प्रोटीन से बना होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पिलीन प्रोटीन, जैसे वो फ्लैजेलिन से था तो ये पिलीन प्रोटीन से बना है, क्या, पिलीन प्रोटीन। और ये हेल्प करता क्या है एक्चुअली में, इसमें इसी में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसको सेक्स पाइलस या सेक्स पिलाई बोलते हैं, ठीक है, पाइलस का मतलब सिंगल, सेक्स पिलाई मल्टीपल। तो सेक्स पिलाई क्या करता है, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के बीच में ना ऐसे क्या बनाता है, कंजुगेशन ट्यूब बनाता है, क्या बनाता है, ट्यूब कनेक्शन, ट्यूब बनाता है, कनेक्शन ट्यूब बनाता है, और इस कनेक्शन ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, कंजुगेशन ट्यूब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंजुगेशन। और कंजुगेशन जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, सेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है बैक्टीरिया के केस में, ठीक है। इसकी डिस्कवरी किसने की थी, स्टडी किसने किया था, बीडल एंड BEADL, बीडल एंड टॉटम ने, ठीक है, बीडल एंड टॉटम ने, इसको चेक कर लीजिएगा, अभी मैं मिस नहीं करूंगा, बीडल एंड टॉटम ही है, क्यों, रीजन क्या, ट्रांसडक्शन जिंडर एंड लिडरबर्ग है, और उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन का ग्रिफिथ है, तो बीडल एंड टॉटम ही है इनके, क्लियर है। पिलाई का रोल समझ में आ गया, पिलाई भी क्या है, एक्सटर्नल अपेंडेजेज है। फिम्ब्री का क्या रोल है, फिम्ब्री जो है कांटे जैसा होता है, थॉर्न या आप उसको ब्रिस्टल जैसा बोल लीजिए, क्या हेल्प करता है, अटैचमेंट में हेल्प करेगा, ठीक है, क्या करेगा, अटैचमेंट में हेल्प करेगा, क्लियर है कि नहीं, ओके। सो देखिए, देख लीजिए ये क्या है, सरफेस स्ट्रक्चर है ऑफ द बैक्टीरिया बट डू नॉट प्ले रोल इन मोटिलिटी, ठीक है। फ्लैजेला के अलावा पिलाई एंड फिम्ब्री ये मोटिलिटी में रोल नहीं प्ले करते, मैंने बता दिया, केवल और केवल फ्लैजेला जो होता है वही मोबिलिटी या मोटिलिटी में हेल्प करता है, ठीक है।
पिलाई आर इलांगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बता दिए, स्पेशल प्रोटीन से बना होता है, उस प्रोटीन को ही क्या बोलते हैं, पिलीन, नाम ध्यान रखिएगा भाई, पिलीन प्रोटीन। द फिम्ब्रिए आर स्मॉल ब्रिस्टल लाइक या ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर बोलेंगे, ठीक है, फाइबर्स स्प्राउटिंग मतलब बाहर निकल रहा आउट ऑफ द सेल इन सम बैक्टीरिया, दे आर नोन टू हेल्प द अटैच द बैक्टीरिया टू रॉक इन स्ट्रीम्स एंड ऑल्सो टू द होस्ट टिश्यू। भाई आपको अगर पैथोजेनिक है या जो हमारी गट्स में बैक्टीरिया रहते हैं वो कैसे ऐसे घूम रहे हैं क्या कि कुछ भी पानी पीजिए कुछ भी एसिड पीजिए तो उसके साथ साफ हो जाएंगे? नहीं भाई, आपकी इधर ना इधर सरफेस से अटैच रहते हैं, तो अटैच किसके थ्रू होंगे, फिम्ब्रिए के थ्रू। बाहर साइड में जो समुद्र में है, ओशन में है, लेक में जो बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे, कुछ कुछ घूम रहे होंगे, कुछ कुछ क्या करेंगे, स्ट्रीम है, फ्लोइंग स्ट्रीम है तो अटैच होके रहेंगे, ठीक है, अटैच होके रहते हैं। तो उसमें कौन हेल्प करता है, फिम्ब्रिए। पिलाई का रोल केवल और केवल बेसिकली क्या है, वो कंजुगेशन ट्यूब और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हेल्प करना है, ठीक है, क्लियर है कि नहीं। चलिए ये हमने एक्सटर्नल अफेयर देख लिया इनका कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या है, एक्सटर्नल अफेयर को देख लिया, अब आते हैं इनके अंदर की चीजों को जिसमें राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडीज हमने पढ़ा था। ये कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है और ये जो होता है यूनिक होता है, ठीक है, किसके लिए, प्रोकैरियोट्स के लिए, ठीक है। राइबोसोम यूनिक नहीं है, राइबोसोम यूकैरियोट में भी होता है, प्रोकैरियोट में, बस राइबोसोम यहाँ पे जो होता है कौन सा टाइप का होता है, 70S होता है, जो 50 और 30 से मिलके बना है, ठीक है। मिलके बनने का मतलब 50-30 मत करिएगा, वो मैं बता चुका हूँ क्यों ऐसा होता है, ठीक है। प्रोकैरियोट के केस में राइबोसोम आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होते हैं एंड दे आल्सो दे पार्टिसिपेट इन द प्रोटीन सिंथेसिस। क्यों? क्योंकि प्रोटीन फैक्ट्री है ये, ठीक है, प्रोटीन फैक्ट्री है तो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं ये। दे आर अबाउट, देखिए ये आपको साइज याद रखना है, 15 नैनोमीटर बाई 20 नैनोमीटर, ठीक है, इन साइज एंड आर मेड अप टू सब यूनिट्स जिसमें 50S और 30S है, ठीक है, और एक साथ जब प्रेजेंट होते हैं तो दोनों क्या बनाते हैं, मतलब ऐसे अगर रहेगा तो ये वैसे 30S है और ये जो है ये क्या है, 50S है, लेकिन इन दोनों को एक साथ जब हम क्या बोलते हैं, 70S बोलते हैं, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये बहुत बेसिक सा चीज है, प्रोटीन फैक्ट्री के लिए जाना जाता है, कहा जाता है उसको। सेवरल राइबोसोम में अटैच टू अ सिंगल mRNA, यहाँ केस एक बनता है, जैसे मान लीजिए कि mRNA बन रहा है DNA, ये पढ़े ना DNA से क्या बनता है, mRNA, DNA से RNA बनता है, यहाँ पे mRNA की बात कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि अलग टाइप के भी RNA होते हैं, tRNA भी होता है, rRNA भी होते हैं, ठीक है, बेसिकली जो तीन टाइप के हैं, mRNA बन रहा है ना, तो यहाँ पे एक कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है, जो कि यूकैरियोटिक केस में नहीं मिलती है, ठीक है, उसका भी रीजन है, रीजन क्या है, क्योंकि DNA जो है ना ये भी साइटोप्लाज्म में भी पड़ा हुआ है और आपकी प्रोटीन सिंथेसिस भी कहाँ हो रही है, साइटोप्लाज्म में भी हो रही है, मतलब mRNA साइटोप्लाज्म में भी बन रहा है और वहीं पे क्या बना, बन भी रहा है और वहीं प्रोटीन भी चल रहा है, बन रहा है, मतलब सब कुछ कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में। यूकैरियोटिक केस में ये जो mRNA फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, यहाँ से फिर ट्रांसफर होता है, तो जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है ये कहाँ हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है, ट्रांसलेशन आपका साइटोप्लाज्म में होता है, यहाँ पे क्या है, ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन सब कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है, क्लियर है कि नहीं भाई, ये एक बार फिर से बता दें आपको, ठीक है, एक बार फिर से बता देते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में, ठीक है, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है और सेल है ये और इसका जेनेटिक मटेरियल ये DNA है, ये आपका प्लाज्मिड है और ये सारा कहाँ है, दीज आर दी साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो अगर DNA डिवाइड हो रहा है तो रेप्लिकेशन, ठीक है, अगर DNA से mRNA बन रहा है, mRNA तो ये क्या हो गया, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, और mRNA से अगर प्रोटीन बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन, ठीक है, ट्रांसलेशन, सब कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है, बस यूकैरियोट में ये यहाँ पे स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, स्पेस में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, स्पेस का मतलब क्या हो, यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन होगा और साइटोप्लाज्म जो होगा उसमें केवल ट्रांसलेशन का इवेंट कंप्लीट होगा। वन सेकेंड, क्लियर है कि नहीं, ओके, सो ये चीज नहीं, ये चीज ध्यान रखनी है भाई, ये कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए बताया क्योंकि अभी यहाँ जो वर्ड आ रहा है और मैंने बोला कि ये यूकैरियोट में नहीं होता है ऐसा कंडीशन, तो उसी को समझाने के लिए मैंने इतना कहानी बताया, ठीक है।
डीएनए है, डीएनए साइटोप्लाज्म में है, डीएनए से आरएनए जो है ना, ठीक है, ये एमआरएनए, ये भी साइटोप्लाज्म में ही बन रहा है। और एमआरएनए बनने के बाद जब इसमें प्रोटीन सिंथेसिस होगी, तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या होगा, यहाँ पे राइबोसोम अटैच होगा, तो ऊपर आएगा आपका, ऊपर आएगा लार्ज स्मॉल सब यूनिट ऐसे, ठीक है, और नीचे आएगा लार्ज सब यूनिट, ऊपर आएगा स्मॉल सब यूनिट, नीचे लार्ज सब यूनिट, ऊपर आएगा स्मॉल सब यूनिट, नीचे लार्ज सब यूनिट, ऊपर स्मॉल सब यूनिट और नीचे लार्ज सब यूनिट, ठीक है। तो ये जो होता है ना, ये कंडीशन जो ये देख रहे हैं ना, एक साथ एक एमआरएनए पे अलग अलग जगह पे, ठीक है, अलग अलग जगह पे कितने हैं, ढेर सारे राइबोसोम अटैच हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं, ठीक है, और भी हो सकते हैं, ठीक है। एक तो रीजन मैंने बता दिया, और दूसरा रीजन इसकी वजह से इसका होता है कि यहाँ पे जो जीन होते हैं यहाँ पे, कौन से जीन टाइप के होते हैं, मोनोसिस्टोनिक या पॉलीसिस्टोनिक, पॉलीसिस्टोनिक सिस्ट्रॉन जीन है ना, पॉलीसिस्टोनिक, ठीक है। तो ये भी है, और एक कंडीशन मैंने अदर दूसरी जो अभी समझाई है वो है। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं कि जब एक एमआरएनए पे ढेर सारे राइबोसोम अटैच होते हैं, तो इस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीसोम, पॉलीसोम या सिंपली पॉलीराइबोसोम, पॉलीराइबोसोम, पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम दोनों बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, समझ रहे कि नहीं। और सारे जो है ना, ऐसे ऐसे प्रोटीन जो है, अलग अलग प्रोटीन बनाएंगे, क्यों, क्योंकि जीन जो होता है ना पॉलीसिस्ट्रॉनिक है, यहाँ पे पढ़ेंगे हम डीएनए पढ़ेंगे जब, तो वहां पे बताएंगे जीन क्या है, पॉलीसिस्टोनिक। यूकैरियोटिक सेल में जीन क्या होता है, मोनोसिस्टोनिक। तो यूकैरियोटिक केस में ना, यूकैरियोटिक सेल में ये कंडीशन पॉलीसोम की कभी अराइज नहीं होगी, बस ये ध्यान रखना है, यूकैरियोटिक सेल में पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम की कंडीशन कभी अराइज नहीं होगी, जस्ट रिमेम्बर दिस। क्लियर है कि नहीं कहानी, क्लियर है कि नहीं, कॉन्सेप्ट के साथ मैंने बताया है पूरा, क्लियर है ना, ओके। तो ये देखिए, सेवरल राइबोसोम में अटैच टू अ सिंगल एमआरएनए एंड फॉर्म अ चेन पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम, द राइबोसोम ऑफ अ पॉलीसोम ट्रांसलेट एमआरएनए इनटू प्रोटीन, तो प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, हमने लाल लाल दिखाया था, प्रोटीन ऐसे निकल रहे हैं यहाँ से बन के, ठीक है। इंक्लूजन बॉडीज का क्या रोल है, रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज। तो जो भी रिजर्व मटेरियल होता है यहाँ पे, वो किसके फॉर्म में स्टोर होता है, इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में होता है, ठीक है। दीज आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, तो ऐसे ड्रॉपलेट के फॉर्म में ये पड़े रहते हैं, ठीक है, लाइफ फ्री इन द साइटोप्लाज्म। एग्जांपल जैसे फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स हो गए, ठीक है, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स हो गए, साइनोफाइसियन स्टार्च हम पढ़ते हैं ना, ब्लू ग्रीन एल्गी के केस में हम पढ़ते हैं ना भाई, साइनोफाइसियन स्टार्च, साइनोफाइसियन स्टार्च, ठीक है। साइनोफाइसियन स्टार्च का मतलब ऐसा स्टार्च है कार्बोहाइड्रेट जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी में बन रहा है या साइनोबैक्टीरिया में बन रहा है, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में है, इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में, ये भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, तो इसमें लॉजिक कुछ भी नहीं लगाना है। शुरू में हमने बता दिया है कि प्रोकैरियोट में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिलता है, तो नहीं मिलता है मतलब नहीं मिलता है। अब ये मत सोचिए कि स्टोर कर रहा है तो ये किसी चीज को ऐसे स्टोर करेगा, नहीं, ऐसे ही ड्रॉपलेट के फॉर्म में, जैसे ऑयल ड्रॉपलेट होते हैं ना, पानी पे आप डाल दीजिए ऐसे ऑयल ड्रॉपलेट बिखरे रहते हैं, वैसे ही है। तो फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स या ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, ठीक है, ये ऐसे ही सेल में रहते हैं। गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो गैस वैक्यूल्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है, वो ऐसे ही एयर बबल की तरह वहां पे पड़े रहते हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है, ध्यान रखिएगा। और बैक्टीरिया का नाम स्पेसिफाई किया है कि किस किस टाइप के बैक्टीरिया में ये पाए जाते हैं, तो किस में होता है, ब्लू ग्रीन एंड पर्पल, ठीक है, ब्लू ग्रीन एंड पर्पल, ठीक है, ये है, देखिए यहाँ से आप ऐड करिए किसके लिए, इन ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, ठीक है, बीजिए ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ये एक साथ आता है, पर्पल एंड ग्रीन, ठीक है, एंड ब्लू ग्रीन, क्लियर है कि नहीं। इसमें क्या होते हैं, गैस वैक्यूल्स भी होते हैं। तो पूरा पता चल गया आपको प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, हमने लग रहा है कि अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया है।